2 नवंबर को नोएडा पुलिस ने वन विभाग के साथ मिलकर नोएडा में छापेमारी की। इस दौरान यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़े कुछ लोगों का नाम सामने आया। आरोप लगा कि एल्विश यादव इन लोगों से जुड़ा हुआ है और ये मिलकर सांपों के जहर से नशा करते थे। रेव पाती का भी आरोप लगा। मामले को लेकर मेनका गांधी का बयान सामने आया। एल्विश यादव भी पीछे नहीं, उन्होंने कहा कि वो इस मामले में बिल्कुल निर्दोष हैं। अगर उनका थोड़ा सा भी नाम सामने आता है तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आखिर स्नेक वेनम या कहे कि सांप के जहर का इस्तेमाल नशे में कैसे किया जाता है? वो कोबरा जिसके काटने से इंसान मर तक जाता है, उसी कोबरा के जहर से आखिर कैसे इंसान नशा कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको बता दें कि एल्विश यादव मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कुछ नए ऑडियो और वीडियोस भी सामने आए हैं जिससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मामले में एल्विश यादव का नाम भी सामने आया है। हालांकि अभी मामले को लेकर जांच पूरी नहीं हुई है। एल्विश यादव का भी यही कहना है कि जब जांच पूरी होगी तभी सच सामने आएगा। लेकिन जो आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं वो ये है कि वो स्नेक वेनम का इस्तेमाल करते थे और उनके पास से कई जहरीले सांप बरामद किए गए हैं और इनके जहर से नशा किया जाता था। इस मामले के सामने आने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि कोबरा सांप के काटने से कोई इंसान चंद सेकेंड्स में मर जाता है, भला उस जहर का इस्तेमाल पार्टी में कैसे कोई कर सकता है? देखिए, देश में 30% ही सांप जहरीले पाए जाते हैं। इनमें से कुछ का जहर सीधे दिमाग पर असर करता है और पैरालिसिस अटैक आता है, जबकि कुछ के जहर का असर खून में होता है और खून जमने लगता है। आमतौर पर नशे के लिए उस जहर का इस्तेमाल किया जाता है जो दिमाग पर असर करता है। सांप के जहर से नशा बनाते वक्त बेहद सावधानी बरती जाती है, खासतौर से डोज हल्की हो इसका ध्यान रखा जाता है। जहर में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि डोज हल्का रहे और सामने वाले को नशा हो, कुछ घंटों के लिए दिमाग सुन्न सा पड़ जाए। जहां तक बात कोबरा और वाइपर की है, इनका जहर खून को जमा देता है। सांप के जहर से बना नशा आमतौर पर जो नशा उपलब्ध है उनसे काफी अलग होता है। ये शराब और यहाँ तक कि ड्रग्स से भी कई ज्यादा तेज होता है। इसका नशा जल्दी चढ़ता है और देर तक शरीर पर इसका असर रहता है, लेकिन कई बार ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर गलती से सांप के जहर से बने नशे को किसी ने ज्यादा मात्रा में ले लिया तो मौत भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक रेव पार्टी में अब कुछ युवा सांप के जहर का नशा करने लगे हैं, यहां तक कि कुछ सांपों से सीधे कटवाते भी हैं। ऐसी रेव पार्टी में सपेरे सांपों को लेकर पहुंचते हैं और लोगों को उनसे कटवाया जाता है। सांप के जहर का इस्तेमाल चिकित्सा पद्धति में तो काफी पहले से होता ही आया है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर भी शुरू कर दिया। सांपों के जहर का इस्तेमाल एंटी वेनम के रूप में भी होता है। कोबरा के जहर से तो कई दवाइयां बनती हैं, खासतौर से भूलने की बीमारी में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सांप का जहर बेहद महंगा बिकता है और अगर कोबरा की बात की जाए तो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। एक एक बूंद की कीमत लाखों तक जा सकती है। ऐसे में जब सांप के जहर से नशा बनाया जाता है तो कई केमिकल्स का इस्तेमाल कर उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है जिससे ये और महंगा बन जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।